हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। यहाँ पर मैं आपको एलडीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अलजेब्रा में पूछा गया था, ठीक है, तो उसका कलेक्शन मैं लेकर आया हूँ। क्वेश्चन चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन मेरे द्वारा दिया जा रहा है, तो उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा फोकस करिएगा। एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में भी पूछा गया और आने वाले फ्यूचर में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड 2-4-10 साल का देखा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऑलवेज पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर टू, कह रहा है कि फाइंड एक्स के पावर 100 प्लस वन बाई एक्स के पावर 100। तो देखिए यहाँ सीख जाइए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, कभी भी अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर दो दिया हो तो ये तभी संभव है जब वन प्लस वन बराबर क्या होगा, टू होगा। तो इसका अर्थ है वन का पावर पॉजिटिव इंटीगर कुछ भी हो तो क्या होगा, हमारा वन ही होगा, यानी वन प्लस वन ये क्या हो जाएगा, टू, यानी डायरेक्ट आप टू लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और भी पूछा था एग्जाम में, ऐसे देख लें, कंपेयर हो जाएगा और आप कंसेप्ट भी सीख जाएंगे। ए प्लस वन बाई ए बराबर माइनस दो, कह रहा है कि ए के पावर 37 माइनस वन बटा ए के पावर 100 बताएं। तो ध्यान से समझिए, माइनस टू होगा, इसका अर्थ है दोनों का वैल्यू माइनस वन होगा, तब माइनस टू हो सकता है। इसका अर्थ है कि यहाँ माइनस वन का पावर, तो देखिए जब माइनस वन होगा ना, तो एक चीज़ याद रखना है समझने के लिए कि माइनस वन के पावर सम संख्या होता है, तो माइनस वन के पावर सम संख्या होता है तो प्लस वन होता है, और माइनस वन के पावर विषम संख्या होता है तो माइनस वन होता है, यानी इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस वन के पावर क्या है, विषम संख्या है, तो माइनस वन ही होगा। माइनस यहाँ पर क्या है, सम संख्या है, तो माइनस वन का पावर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस तरीके से माइनस वन ही लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस टू हो जाएगा। बहुत बार इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ दिया होता ए के पावर 38 माइनस वन बटा ए के पावर 100, तो देखिए क्या होता है, यहाँ भी सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या है, तो माइनस वन का पावर सम संख्या होगा तो वन हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में या तो आंसर दो होता है या तो माइनस दो होता है, नहीं तो क्या होता है, शून्य होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए, कुछ भी पावर दे देगा, बड़ा बड़ा भी 1999, 2001, विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल करता है, लेकिन आप अगर समझे हैं तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना लेंगे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी सीखने वाला क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है और कह रहा है कि फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर कितना बार यहाँ रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में पूछता है तो इक्वेशन के रूप में देता है, कितना बार क्या करेगा कि रेसिप्रोकल वाला में देगा तो इक्वेशन के रूप में पूछेगा। तो जहाँ भी इक्वेशन देगा वहाँ हम लोग या तो एक्स से, नहीं तो एक्स स्क्वायर से, नहीं तो एक्स क्यूब से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को अगर यहाँ पर भाग देने के बाद अगर इस फॉर्म में कुछ भी मिल जाए, देख सकते हैं, तो इस सब का फार्मूला होता है हम लोगों के पास, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला ए प्लस बी के रूप में होता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी यहाँ भी होता है। यानी हम लोगों को कोशिश करना है, यानी बड़ा बड़ा भी पावर होगा तो आपको ऐसे पावर लेके डिवाइड करना होगा ताकि मैक्सिमम पावर 3, 2 और 1 बचे, ताकि इसका फार्मूला ऑलरेडी हम लोगों को पता है जिससे हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर x से भाग दे दीजिए तो जब x से भाग दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स क्या हो गया, x। यहाँ x से भाग दीजिएगा तो x x कट गया तो 3 हुआ, यहाँ 1 बटा एक्स बराबर 0, यानी x प्लस 1 बटा एक्स बराबर क्या हुआ, प्लस 3, इधर आके माइनस 3 हो जाएगा। चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ए प्लस 1 बाई ए के रूप में कैसे होता है, तो लिखा जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। मैंने बताया है कि रेसिप्रोकल होगा तो ए बी वाला टर्म क्या होगा, कट जाता है, और इनटू ए प्लस बी। तो अब देख सकते हैं माइनस 3 है, माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो माइनस 27, माइनस 3 गुने माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 27 प्लस 9, यानी क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का, -18। यानी कभी भी इक्वेशन देके रेसिप्रोकल फॉर्म पूछे, रेसिप्रोकल फॉर्म देके इक्वेशन पूछे, तो जहाँ इक्वेशन होगा वहाँ x या x स्क्वायर या x क्यूब x के पावर 4 से डिवाइड करके आप कोशिश करिएगा कि मिनिमाइज कर ले पावर को, ताकि हम लोग का ये सब फार्मूला वैलिड हो जाए। इस पर आज क्वेश्चन 2-4 देखने को आपको मिलेंगे, इसलिए वेट एंड वॉच। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन फिर दिया हुआ है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5, यानी रेसिप्रोकल फॉर्म में दे दिया। अब यहाँ पूछा है फाइंड
2x डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का वैल्यू बताएं। तो ध्यान से मैंने क्या बोला है कि रेसिप्रोकल फॉर्म में देगा तो इक्वेशन पूछेगा, इक्वेशन देगा तो रेसिप्रोकल फॉर्म में पूछेगा, तो जहां इक्वेशन होगा वहीं डिवाइड करेंगे। तो यहां 1 से डिवाइड करिए तो ऊपर आंसर हर में करेंगे तो यहां 1 से करेंगे तो केवल 2 बच गया। अब यहां इस टर्म में 1 से भाग दे रहे हैं आप तो देखिए 3x हो जाएगा, यहाँ x x कट गया तो माइनस 5 हो गया और यहाँ आ गया 3/x। अब कुछ नहीं करना है, आप सजा सकते हैं, ये दोनों पद एक जगह आएगा तो 3 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 1/x और ये माइनस 5 ऐसे बना रहेगा। x प्लस 1/x बराबर 5 है यानी अब 2/3 गुने 5 माइनस 5 यानी पंक्ति 15 में से 5 गया 10, ऊपर क्या चल रहा था 2 यानी कितना हो जाएगा 1/5। तो देख सकते हैं अच्छे ढंग से क्वेश्चन हम लोगों का बन रहा है, द वे बाई विच यू कैन कैलकुलेट द क्वेश्चन वी हैव टू अंडरस्टैंड द मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को एक दिया हुआ है, ए बटा बी प्लस बी बटा ए माइनस 1/0 कह रहा है फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो घबराए नहीं, यहाँ फार्मूला इसका लगा दें तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको जैसे ही आप रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा वन स्टेप आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं उसका एक फैक्टर मिलेगा, ए बी एलसीएम हो गया तो बी से बी गया तो यहाँ ए स्क्वायर, ए से ए गया तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो। जीरो में किसी भी अंक से गुना करेंगे तो जीरो होता है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जीरो। यानी यहाँ दो गुणनखंड इसका था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो ये वाला जीरो हो गया। जीरो में किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है, यानी डायरेक्ट ये सब आंसर जीरो आप कर सकते हैं। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है हम लोगों को ए बटा बी प्लस बी बटा ए प्लस 1/0 कह रहा है कि फाइंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो फार्मूला लगा दीजिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देख सकते हैं यहाँ जैसे ही सजाएंगे तो ये आ जाएगा, अब तो समझ रहे हैं ए बी तो गुना होकर जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर जीरो। तो यहाँ दिया हुआ है जीरो आ गया और यहाँ पर फार्मूला में अवेलेबल है यानी जीरो मल्टीप्लाइड बाई समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का एक दिया हुआ है ए के पावर 2x प्लस 2/1 कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, कह रहा है x जो होगा 1 के बराबर नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ घातांक करने का एक नियम है, किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, ए के पावर 0/1 हो गया, ये ए के पावर 2x प्लस 2 है और एक नियम कहता है कि LHS बराबर RHS में अगर बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होना चाहिए, अगर पावर बराबर है तो बेस बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पर बेस बराबर है तो पावर को बराबर करेंगे यानी 2x प्लस 2/0 तो 2x बराबर ये जाके इधर माइनस 2 हो जाएगा तो x बराबर क्या होगा आपका माइनस 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन हम लोगों को a बराबर 2+√3 और पूछा है हम लोगों से a के पावर 6 प्लस ए के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब का वैल्यू बताए। तो पहले देखिए ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स अधिक हैं और नीचे सिंगल टर्म है तो इस टर्म में पहले डिवाइड कर लीजिए तो एक रूप मिलेगा जो यहां से आप सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे और सॉल्व कैसे करें ये देख सकते हैं। तो 6/3 तो भाग देने पर क्या होता है, सेम आधार होने पर पावर घटता है तो 6 में से 3 गया 1/3, 4 में से 3 गया क्या हो जाएगा आपका 1 होगा, यहाँ ए स्क्वायर है नीचे ए क्यूब से भाग दे रहे हैं तो हो जाएगा आपका 1/a और यहाँ होगा 1/a³। इसको कैसे सजाएंगे, सेम पावर वाला एक जगह रहेगा यानी ए क्यूब प्लस 1/a³ को एक जगह रखेंगे और फिर प्लस ए प्लस 1/a को एक जगह रखेंगे। यानी अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर यहाँ से ए प्लस 1/a के फॉर्म में मिल गया इसका सॉल्यूशन तो यहाँ पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला आपको पता होता है ए प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3ab रेसिप्रोकल होने के कारण कैंसिल आउट है इनटू ए प्लस 1/a, ऑलरेडी पहले से यहाँ ए प्लस 1/a अवेलेबल था यानी केवल हम लोगों को ए प्लस 1/a का वैल्यू निकाल लेना है और पुट कर देना है। तो चलिए यहाँ ए है तो 1/a कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है तो ऑलवेज चेक करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 होना चाहिए यानी यहाँ 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 बराबर
1। वैसे हर पर में करके बनता है, लेकिन यहाँ आप देखिए ना, एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 1 हो जाता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अगर ए का मान 2 प्लस रूट 3 है तो 1 बाई ए का मान 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। यानी आसानी से हम लोग यहाँ पर ए 1 बाई ए का वैल्यू देख सकते हैं और ऐड करना है, तो ऐड करने से क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी ए प्लस 1 बाई ए बराबर क्या आया, 4 आ गया, 2 कितना हो जाएगा 4। अब पुट कर दीजिए, 4 का क्यूब 64 माइनस 3 चौका 12 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो अब देख सकते हैं 64 4 68, 68 में से आप 12 घटा देंगे तो 68 में से 12 घटाइएगा तो आपका कितना होगा 56 आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, यानी दो तीन जो कंसेप्ट लग रहे हैं इस पर डायरेक्ट भी सिंगल कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन होता है और यहाँ मिक्स एप्लीकेशन पर क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे ढंग से इस कंसेप्ट को सीखना होता है, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन पर भी आप इन इजी वे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है ए बराबर 25 बी बराबर 15 है और सी बराबर माइनस 10 है। हम लोगों से कह रहा है कि बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा। तो घबराइए नहीं, इसका एक फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। कब ये फार्मूला लगता है, जब ए बी सी का वैल्यू बड़ा बड़ा होता है तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, फार्मूला जरूर जेहन में रखेंगे, फायदे होंगे आपको। डिवाइडेड बाई ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं ये टोटल टर्म से टोटल टर्म कट गया, यानी डायरेक्ट आंसर करना था 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है तो पुट कर दीजिए, ए का मान 25 है और बी का मान 15 है और सी का मान माइनस 10 है, यानी 25 15 40 में से 10 गया 30, 1/2 × 30 तो 1/2 × 30 यानी डायरेक्ट आप 15 आंसर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था अलजेब्रा का, इसमें बहुत सा कंसेप्चुअल बात आपको सीखने का मौका मिला होगा जिससे आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। आगे के वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।